गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो जी अम्बाला के चटोरे फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर एक नए फूड के साथ। तो जी आज हम आपको दिखाएंगे अम्बाला की फेमस पत्ते वाली टिक्की। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं शॉप पर, दिखाते हैं उसकी मेकिंग और बताते हैं कैसा है उसका टेस्ट। तो जी हम पहुंच चुके हैं शॉप पर और यही मिलती है आपको पत्ते वाली टिक्की। और जी शॉप का नाम है विशाल पत्ता चाट भंडार। और आप देख सकते हैं जैसे ही शाम होती है यहाँ पर लोगों का क्राउड आना शुरू हो गया है। तो जी यहाँ बन रही है हमारी गर्मा गर्म टिक्की और तवे पर यहाँ पर कचौरियाँ भी रखी हैं, समोसे भी रखे हैं। तो ये हैं अंकल जी जो शॉप के ओनर हैं और ये टिक्की बना रहे हैं यहाँ पर। करते हैं इनसे थोड़ी सी बातचीत और पूछते हैं क्यों है इनकी टिक्की इतनी फेमस। नमस्ते अंकल। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम। तो कैसे हो आप? अरे बहुत बढ़िया भैया, राम जी की कृपा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल नामदेव है भैया। तो आप क्या क्या बनाते हो? सर टिक्की है, समोसे हैं, कचौरी है और गुलाब जामुन है। ये चारों आइटम फेमस है भैया हमारी। तो स्पेशल क्या रहता है यहाँ पे? स्पेशल मेन हमारी टिक्की है भैया, आलू की बनी हुई, इसके अंदर दाल है, मूंग की दाल होती है इसके अंदर, और हरी चटनी के साथ है और मीठी चटनी के साथ है और दही आलू के साथ है। तो कब से दुकान चल रही है आपकी? ये तो मेरे को सन तो देखो मालूम नहीं होगा, इतना पता है कि तीसरी पीढ़ी का काम है। दादाजी ने काम स्टार्ट करा था हमारे, तो दादाजी की उम्र निकल गई, पिताजी की उम्र निकल गई, और 16 साल हमारे को हो गए हैं। तो आपकी दुकान जो है वो पत्ते के और चाट के लिए फेमस है, तो अभी भी पत्ते पे देते हो आप? अभी पत्ते पे नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन पड़ा था ना पीछे, तो लॉकडाउन के कारण वो पत्ता आ नहीं पा रहा। पत्ता आता था हरिद्वार से कहीं आसपास के एरिया में से आता था, अब वो पत्ता आ नहीं पा रहा, तो इसलिए हम प्लेट पे दे रहे हैं इस टाइम। तो लोकेशन क्या रहती है भैया? अम्बाला कैंट हलवाई बाजार 5609 दुकान नंबर है, विशाल पत्ता चाट भंडार के नाम से मशहूर है जी दुकान हमारी। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है आपकी शॉप की? टाइमिंग सवेरे मॉर्निंग में भैया 8 बजे ओपन हो जाती है और रात को 9 बजे तक है। पहले भैया की शिफ्ट लगती है, वो सामने मेरा छोटा भाई बैठा है, तो 12 बजे तक भैया मिलेंगे आपको और 12 बजे के बाद मैं मिलूँगा आपको। और खाने में क्या क्या शिफ्ट रहती है आपको? खाने में भैया सवेरे कचौरी जो मिलती है ना, आलू की सब्ज़ी और मीठी चटनी मिलती है, 3 बजे के बाद हरी चटनी, मीठी चटनी और दही के साथ हो जाती है, और 3 बजे के बाद कचौरी दाल वाली स्टार्ट हो जाती है। सवेरे आलू वाली कचौरियाँ होती हैं, शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो हमारे लिए क्या लगाओगे आज? आप जो बोलोगे वो लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। टिक्की का होगे टिक्की लगा दूंगा, टिक्की समोसा का होगे वो भी मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लेट टिक्की लगा दीजिए। ठीक है भैया, 2 प्लेट टिक्की अभी लगवा देता हूँ भैया। तो जी हमारे लिए लगने जा रही है टिक्की। तो सबसे पहले भैया ने यहाँ पर टिक्की ले ली है और उसे क्रश कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसमें मूंग की दाल, फिर इसमें डालते हैं दही जो कि आलू वाली दही होती है इनकी, उसके बाद इसमें हरी चटनी और ये होती है इनकी खट्टी मिट्टी चटनी जो कि आमचूर की चटनी होती है, और ऊपर से डाल दिया है इन्होंने अपना स्पेशल खुद का पिसा हुआ मसाला। तो लीजिए हमारी टिक्की की प्लेट हो चुकी है रेडी, और आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो जी बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है और खाने से ही आपको पता लग जाएगा कि ये टिक्की क्यों इतनी फेमस है। जैसे कि अंकल जी ने बताया था कि ये नॉर्मल टिक्की नहीं है, इस टिक्की में ये मूंग की दाल यूज करते हैं जो टिक्की में और भी ज्यादा क्रिस्पीनेस लेकर आती है, और जो इनकी खट्टी मीठी आमचूर की चटनी है ये इसके टेस्ट को और भी ज्यादा अच्छा बना देती है। नॉर्मली टिक्की में दही आपको हर जगह मिल जाएगी, पर यहाँ पर जो स्पेशल रहता है वो है इनका दही आलू। तो जी टिक्की के बाद यहाँ पर बन रहे हैं हमारे समोसे, और ये बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश आइटम्स बनाते हैं डेली। यहाँ पर बन रहे हैं हमारे समोसे, समोसे की जो फीलिंग हो रही है वो की जा रही है। तो आप देख सकते हैं मसाले में क्या रहता है, इनके आलू मटर पनीर और इनके कुछ अपने मसाले हैं वो डाले जाते हैं, और प्राइस भी इन सभी आइटम्स का बिल्कुल जेन्युइन रीजनेबल प्राइस रहता है। और जी समोसे में भर भर कर आलू यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं। तो जी फिलिंग के बाद यहाँ पर हमारे समोसे आ गए हैं फ्राई होने के लिए, और जैसे ही आप इस मार्केट में आओगे ना, टिक्की और समोसे के बनने की खुशबू ही आपको यहाँ शॉप तक खींच कर ले आएगी। तो जी हमारे गर्मा गर्म समोसे हो गए हैं तैयार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द मोर अपडेट्स। तो जी अब कस्टमर्स का रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं उन्हें कैसा लगता है यहाँ का फूड। तो जी कैसे हो भैया? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहन। तो आप कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर हो गए कम से कम भी 1 साल तो हो गया। तो कैसी लगता है आपको इनका टेस्ट? बढ़िया बढ़िया है। तो हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो आप अम्बाला से ही हो? हाँ जी, मैं लोकल हूँ।
कब से इनका फूड ट्राई कर रहे हो आप? इट्स लाइक सिंस माय चाइल्डहुड आई एम बोर्न हियर सो आई ऑलवेज कम रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस आई कम हियर। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे टिक्की समोसे के लिए आते हैं तो स्पेशली इनकी टिक्की काफ़ी अच्छी है और अच्छा इन्जॉय कर लेते हैं। अभी आपने क्या ऑर्डर किया है? अभी मैंने बेसिकली किया है ऑर्डर टिक्की प्लस समोसा जो मेरा थोड़ा फेवरेट भी है यहाँ का। तो जी जैसा कि आपने देखा लोग यहाँ पर हर चीज़ को पसंद करते हैं चाहे वो टिक्की हो समोसा हो कचौरी हो। आपका क्या फेवरेट है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो जी वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द मोर अपडेट्स और अपने भुक्कड़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो अगर आप भी अंबाला से हैं या अंबाला के किसी भी रीजन से हैं और आपके आसपास या आपके शहर में कोई ऐसी शॉप है या कोई ऐसा कार्ट है जो टेस्टी फूड सर्व करता हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फूड के साथ एक और नई शॉप के साथ। तब तक के लिए बाय।